नमस्कार मित्रों, हमको गणेश भगवान को कभी भी विदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विघ्नहर्ता हैं। और अगर विघ्नहर्ता ही विदा हो गए तो हमारे सबके विघ्न कौन हरेगा? क्या कभी सोचा है गणेश प्रतिमा का विसर्जन क्यों किया जाता है? अधिकतर हम सब लोग एक दूसरे की देखा देखी ही गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कर रहे हैं, और इसके 3 या 5 या 7 या 11 दिन की पूजा के उपरांत उनका विसर्जन भी करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप गणपति की पूजा करें, स्थापना करें, लेकिन उनका विसर्जन ना करें। विसर्जन केवल महाराष्ट्र में किया जाता है, वहीं होना ही चाहिए, क्योंकि गणपति वहाँ एक मेहमान बनकर गए थे। वहाँ लालबाग के राजा कार्तिकेय ने अपने भाई गणेश जी को अपने यहाँ बुलाया और कुछ दिन वहाँ रहने का आग्रह किया था। जितने दिन गणेश जी वहाँ रहे उतने दिन माता लक्ष्मी और उनकी पत्नी रिद्धि व सिद्धि वहीं रहीं। इनके रहने से लालबाग धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, तो कार्तिकेय जी ने उतने दिन का गणेश जी का को लालबाग का राजा मानकर सम्मान दिया। यही पूजन गणपति उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। अब रही बात देश की अन्य स्थानों की, तो गणेश जी हमारे घर के मालिक हैं और घर के मालिक को कभी विदा नहीं करते। गणपति का विसर्जन करते हैं तो उनके साथ लक्ष्मी जी व रिद्धि सिद्धि जी चली जाएंगी, तो जीवन में बचा ही क्या? हम बड़े शौक से कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। इसका मतलब हमने एक वर्ष के लिए गणेश जी, लक्ष्मी जी, रिद्धि सिद्धि सबको पानी में बहा दिया। तो आप खुद ही सोचिए, और देश के अन्य स्थानों को तो गणेश जी हमारे घर के मालिक है और मालिक को विदा नहीं करते। अगर हम गणपति जी का विसर्जन करेंगे तो उनके साथ लक्ष्मी जी और रिद्धि सिद्धि भी चली जाएंगी, तो हमारे जीवन में बचेंगे क्या? हम बड़े शौक से कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। इसका मतलब हमने एक वर्ष के लिए लक्ष्मी जी आदि को ज़बरदस्ती पानी में बहा दिया। तो आप खुद सोचो कि आप किस प्रकार से नवरात्रि, दीपावली इन सब की पूजा करेंगे, और तो और किसी भी शुभ कार्य की पूजा हम किस प्रकार करेंगे, क्योंकि गणपति की पूजा सबसे पहले हमारे यहाँ हर कार्य में होती है। तो इसलिए कृपया आप सभी से निवेदन है कि महाराष्ट्र के अलावा अन्य देश के जितने भी लोग हैं सब लोग अपने घर में गणेश जी की स्थापना करें, लेकिन विसर्जन बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।